कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में कर्नल डीएस चीमा द्वारा लिखित बुक आई कैन आई शैल विन ए बुक फॉर द यंग इंडियन का विमोचन हुआ। इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा थे। इसी मौके पर श्रीमती लिपि परेड़ा, वाइफ ऑफ श्री मनोज परेड़ा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़, व विवेक अत्री ने भी इस मौके पर शिरकत की। उन्होंने कर्नल डीएस चीमा द्वारा रचित इस बुक की तारीफ करते हुए कहा कि कर्नल साहब इससे पहले अलग अलग विषयों पर 16 किताबें लिख चुके हैं और आज जो भारत के नौजवानों के लिए ये बुक रिलीज हो रही है ये कमाल की है और ये बुक नौजवानों को व भारत को एक नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने कर्नल साहब की इस बुक विमोचन सेरेमनी में तारीफ करते हुए कहा कि कर्नल चीमा ने पहले फौज में रहकर भारत की सेवा की है, अब अपने लिखतों के जरिए समाज की सेवा कर रहे हैं। स्पेशली तौर पर ये मोटिवेशनल बुक आई कैन आई शैल विन ये हमारे भारत के नौजवानों को एक नई दिशा प्रदान करेगी। आइए देखते हैं इस पुस्तक के विमोचन के समय की कुछ झलकियां। हाँ जी, टुडे वी आर एट द प्रेस क्लब चंडीगढ़ एंड आज यहाँ पे कर्नल डी एस चीमा की एक बुक रिलीज हुई है आई कैन आई शैल विन ए बुक फॉर द यंग इंडियंस। तो दिस इज फॉर स्पेशली फॉर द नौजवानों के लिए है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बुक के बारे में? कर्नल चीमा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है क्योंकि भारत में सबको पता है सबसे अधिक युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, पर ये युवा पीढ़ी हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंट बने और डेमोग्राफिक बर्डन ना बने, इसके लिए हमें भी उनमें इन्वेस्ट करना है और उनको भी खुद में इन्वेस्ट करना है कि वो एक सही सोच लेकर, एक सही महत्वाकांक्षा लेकर, एक सही ज़िंदगी की प्लानिंग करके वो अपने सपने साकार करें। और उसके लिए कर्नल साहब ने अपनी किताब में बताया कि वो किस तरह आत्मविश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है जिससे हमारी युवा पीढ़ी सीख ले सकती है कि वो कैसे अपनी लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें पता होती है कि वो करनी चाहिए और उनको कैसे करें, वो इन्होंने एक बड़े प्रैक्टिकल टिप्स इस किताब में दी। तो मैं समझती हूँ किताब बहुत यूज़फुल रहेगी युवाओं के लिए भी और आज के माँ बाप के लिए भी कि वो अपने बच्चों को कैसे। जहाँ पे कर्नल डी एस चीमा जी हमारे साथ हैं जिनकी ये बुक रिलीज हुई है आई कैन आई शैल विन ए बुक फॉर द यंग इंडियंस। तो कर्नल साहब एक्चुअली आपने इसके बारे में पहले बताया है बट ये स्पेशली आपसे इसलिए इसके बारे में बुक के अंदर जो है वो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि वो इंग्लिश में स्पीच थी। तो हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए आप कुछ बताइए कि इस बुक में नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे देश ने, महान देश ने सचमुच वो जगह हासिल करनी है जो उसको पूरी दुनिया के अंदर मिलनी चाहिए और एक अच्छा डेवलप्ड नेशन बन के दुनिया में अपना डंका बजाना चाहिए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे यूथ हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो इतनी अच्छी क्वालिटी हो उनकी कि वो भारतवर्ष को चेंज कर दे और बहुत बढ़िया बना दे। ये समझने वाली बात है कि हमारे देश की 65% पॉपुलेशन वो 35 साल से कम उम्र की है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 88 करोड़ 35 साल से कम लोग हैं, ये जो बहुत बड़ा एक हमारे पास असेट है इतना बड़ा, और इस असेट को हम अगर बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर लें तो हम कमाल कर सकते हैं। जी, 88 करोड़ पूरे यूरोप की आबादी से भी कहीं ज़्यादा है, और अगर इन बच्चों को, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को ठीक रास्ता मिल जाए तो ये कमाल कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग, जिन्होंने इनको ठीक रास्ता देना है, वो समझते हैं ये केयरलेस हैं, ये यूजलेस हैं। एक्चुअली दे आर केयरलेस, हम उनकी केयर कम करते हैं, हम उनको यूज़ काम करते हैं। हमारा एजुकेशन का सिस्टम, हमारी सोसाइटी का सिस्टम, यहाँ पर पढ़ा के जो क्लासरूम में इंसान सीखता है, बच्चा सीखता है, चाहे वो स्कूल का लेवल हो या यूनिवर्सिटी का लेवल हो या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का लेवल हो,
वहाँ जो जो कुछ वो सीख के आता है वो जिंदगी की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, जिंदगी के चैलेंजेस को अच्छी तरह से समझने के लिए और उनसे दो हाथ करने के लिए वो काफ़ी नहीं होती, सक्षम नहीं होते और वो चीज़ सिखाई नहीं जाती ना कभी किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में या कॉलेज में, कहीं सिखाई नहीं जाती। तो इस बुक में वो सारी चीजें मौजूद हैं। इसमें लाइफ स्किल उसको बोलते हैं, लाइफ स्किल के जिंदगी को जीने के लिए क्या क्या बढ़िया चीजें चाहिए आपको करनी और क्या अडॉप्ट करनी चाहिए। सो वो मैंने लाइफ स्किल जो है जैसे करेज, हिम्मत, सोच में हिम्मत, मैं फिजिकल करेज की नहीं बात कर रहा, सोच के अंदर हिम्मत आनी, उसके बाद आपकी इंटेग्रिटी किस तरह की, आपकी प्रोफेशनल सोच क्या है, आपकी ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन। मैं हमेशा कहा करता हूँ सब बच्चों को कि मन जीते जग जीत कमाल का फार्मूला है। कि अगर आपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आप सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी अभी हम सब जो हैं, 10 मिनट अगर आप चुपचाप, आपको एक विल स्टिल विदाउट यू नो मूविंग अबाउट हियर एंड देयर, आपको स्टिल बैठना पड़े तो वो कितना मुश्किल लगता है। तो देखिए दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 50,000 से 60,000 विचार आते हैं दिमाग के अंदर और 16,000 तकरीबन शब्द बोले जाते हैं 24 घंटे में। मैं एक इमोशनल एजिलिटी की बात करता हूँ। इमोशनल एजिलिटी की बात यह है कि इन सब विचार जो आते हैं रेपिटेटिव, बार बार कई तरह के विचार, इन सब विचार को कैसे हैंडल करोगे, किस तरीके से, उसको इमोशनल एजिलिटी बोलते हैं। तो एक तो वो हिस्सा है, बाकी इसमें स्किल ऐसी बताई गई हैं कि हर ग्रोइंग चाइल्ड उसको अपनी ज़िंदगी का पता हो कि वो ज़िंदगी से चाहता क्या है। अगर मुझे क्लियर हो कि व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ तो तभी मैं उसके ऊपर काम करूँगा ना। तो ये क्लैरिटी हमारे सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लेट आती है क्योंकि हमारा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है। पर 20 साल तक हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है ज़िंदगी में। अगर वो पता हो गया, क्लैरिटी आ गई, तो फिर अर्जेंसी पे इसको जल्दी करना पड़ेगा। हमारे बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी लंबी ज़िंदगी है ना, जो एक्चुअल टाइम आपके पास है कोई काम को कर गुजरने का वो आपकी जितनी उम्र है उसका 1/5 हिस्सा ही है। अगर 100 साल बंदा जिंदा रहता है तो उसके पास असली काम करने के लिए 20 साल है, बाकी जो उसका सोने में निकल गया, खाने पीने में, घूमने में, काम करने में, दूसरी चीजों में निकल गया। और यही वो, वही वो, यही उम्र होती है जो 16 साल से लेकर 25-26 साल की जो एज है जिसमें उसका सारा तय हो जाता है उस बच्चे का कि ये किस तरफ जाएगा। दिस इज वेरी एप्रोप्रिएट बुक फॉर, मैं समझता हूँ कि ये किताब इतने अच्छी फार्मूले समझ लो, इतने अच्छे सक्सेस मंत्र समझ लो, वो देती है कि इससे एक एवरेज, और मेरा ख्याल है पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए तो है ही बच्चे तो, पर मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को भी पढ़नी चाहिए। पेरेंट्स भी कहेंगे कि वैल्यू सिस्टम, आपकी फाउंडेशन ऑफ सक्सेस जो है वो अच्छी वैल्यूज के ऊपर ले करनी चाहिए। अगर आप ये बातें नहीं समझते तो आदमी बन सकता है IAS भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर वो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएगा और जो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है वो अच्छा प्रोफेशनल भी नहीं बन सकता। यही बात आज जब स्टेज पे बुक रिलीज हुई थी हरियाणा के जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी मैडम स्पीकर मिश्रा जी ने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने भी यही बात सुनीता, मैं बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत वो है और उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया और उन्होंने किताब पढ़ी भी और उसके बारे में से विचार भी उन्होंने काम हमने एक्सचेंज किए। तो थैंक यू वेरी मच सुनीता मैम। सर इसमें आपका जो ये बुक अभी इंग्लिश में आई है तो इसमें कोई आपका हिंदी में भी पब्लिश करने का है विचार, क्योंकि हमारी जो हमारी इंडिया की जो मैक्सिमम आबादी वो हिंदी को आई थिंक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि ये एक हमारे जो यूथ को नई डायरेक्शन देगी और उसको अगर अमर हो जाए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो है सॉल्व हो जाएगी। तो हिंदी में होनी मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या मैं समझता हूँ कि हिंदी में और पंजाबी में इसको ट्रांसलेट करना चाहिए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्यों अगर मैसेज सचमुच स्प्रेड करना है तो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, हिंदी पढ़ने वाले हिंदी हार्टलैंड में मध्य प्रदेश, UP, राजस्थान, दिल्ली, उस रीजन में बहुत लोग हैं जिनको मेरा ख्याल है शायद बहुत ज़रूरत है इस किताब को, तो वहाँ पर ये किताब कैसे पहुँचे और उनको कैसे उनके हाथ में जाए, उसके लिए मैं तो आप जैसे जो लोग हैं
मीडिया के, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा मुझे रास्ता बताए कि एक किताब ट्रांसलेट। तो ये थे कर्नल डीएस चीमा, जो ऑलरेडी जिनकी आई थिंक 16 बुक के ऑथर, 16 बुक्स इनकी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, बट ये जो मेरे को ज़्यादा नहीं पता वो जो बुक्स का मजमून क्या है, पर ये जो बुक है मेरे हिसाब से ये क्योंकि यूथ के लिए है, जो बहुत सारी कैपेबिलिटी से आज एजुकेशन में वो लेके विद फील्ड विद फुल पावर, तो अगर उनकी पावर को यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से हो जाए जो कि इस बुक में गाइड किया गया है, तो मेरा ख्याल वो बहुत ही हमारे समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।